राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी दोनों की गठबंधन की घोषणा 27 अक्टूबर को इसी मैदान पर माननीय अखिलेश जी आएंगे और हमारे मोर्चे के सभी साथी यही घोषणा होगी, यही पंचायत होगी जनता के बीच में। कितने दलों को जोड़ा जा रहा है इसमें? हमारे साथ 12 दल हैं, 11 थे, 12 हो गए। कौन कौन से हैं? दल हमारे बीच में अनिल चौहान जी बैठे हैं, उनका जनता उन्नत पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबूराम पाल हैं, राम सागर बिंद हैं, रामकंड कश्यप हैं, आपके बाबू सिंह प्रांत कुशवाहा हैं, कृष्णा पटेल हैं और सतीश बंजारा हैं, गुलाब खंगार हैं और राजन हरपंथी सभी हम लोग ओवैसी जी भी हैं। ओवैसी जी आगे जारी में उन्होंने स्वागत किया है। और शिवपाल जी हैं क्या? शिवपाल जी रथ लेके निकले हैं, चल दिए हैं, 27 तक इंतजार करेंगे। अच्छा, 27 को कौन बोला भाई? बड़े नेता तो बता दिया मैंने कि माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ आएंगे। आप लोगों के बीच में हमारे नेताओं द्वारा चर्चा रही कि दो हेलीकॉप्टर उतरेगा मऊ में, बड़ी चर्चा थी। हम उसी फिराक में लगे हैं कि दोनों हेलीकॉप्टर आ जाए। जमीन घिरवा दिए हैं, आवाज़ एक का वो तो कल आ गया है, दूसरे का कल आ जाएगा। तो दो हेलीकॉप्टर में अब सोच लीजिए कितने मुख्तार अंसारी की तरह जाएंगे। आप जिधर रहेंगे उधर जाएंगे? नहीं, ऐसा चर्चाएं हैं, ऐसे चर्चाएं हैं कि जो विसात जो बिछाई जा रही है पूर्वांचल में, ये मुख्तार अंसारी के लिए चर्चा की जा रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के ऊपर डायरेक्ट टिकट ना देके आपके पार्टी के माध्यम से मुख्तार को टिकट देने के बात चल रही है, क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मुख्तार और अतीक हैं मुसलमान, इस नाते सब लोग उंगली उठा देते हैं, लेकिन हम पूछते हैं कि ब्रजेश सिंह का है, साधु हैं, भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं, धनंजय सिंह हैं, उनकी पत्नी अभी चेयरमैन योगी जी ने बनाया है, सीट थी अपना दल को, अब बुला करके समझा दिया कि नहीं तुम हट जाओ वहाँ से, बैक हो गई, ये आपके सामने है धनंजय सिंह, राजा भैया, खाली मुख्तार अपराधी दिखते हैं सबको, यही माफिया हैं, उनसे बड़े बड़े माफिया, हिम्मत नहीं है सरकार की। हम तो कहते हैं आपके माध्यम सरकार की हिम्मत हो तो माफियाओं की सूची जारी करें जरा, तो देखिए कौन आता है एक नंबर पर, बुलडोजर चढ़ेगा, अहिर गडेरी कुनबी कोयरी भर चमार मुसल धोबी कटी पाथी के यहाँ, मुसलमान के यहाँ जोला दुनिया अंसारी के यहाँ, लेकिन ब्रजेश के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, अभय मिश्रा के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। 5-9 हत्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट डंडा नहीं उठाता तो शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती। अभी कोई गरीब चाहे कोई पत्रकार सही बात दिखा दिया, मिर्जापुर में पत्रकार मिड डे मील में रोटी और नमक खिलाया जा रहा है, जेल भेजवा दिया, इतनी बड़ी जोश है सरकार को, लेकिन वहीं 9-9 लोगों की हत्या हो रही है, अभी सरकार की नहीं लोक रहा है। बलिया में पाल की हत्या हो रही है, अपराधी को बचाया जा रहा है, बागपत में अपराधी को बचाया जा रहा है, हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है, 12 बजे लाश जलाई जाती है, अपराधी को बचाया जा रहा है, इतने अपराधी हैं। SP इटावा के SP को थप्पड़ मारता है भाजपा का नेता, जिलाध्यक्ष बना दिया जाता है। आप बंगाल देखिए, बंगाल में चिट फंड कंपनी, पूरे देश में भाजपा ने बाजा बजाया और उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से अपराधी हिलते हैं, उधर से क्लीन चिट होके निकलते हैं। तो मुख्तार क्या अभी आपके साथ है? 24 करोड़ जनता हमारे साथ आने को तैयार। 27 तारीख के बाद देखिएगा ना,
आप लोग भी नहीं मिल पाएंगे, फेल देंगे पीछे सर। ये चर्चाएं रहती हैं पूर्वांचल पे, मुख्तार का बड़ा प्रभाव रहता है हर सीट पर, जिस तरह आपका प्रभाव है हर सीट पर उसी तरीके से मुख्तार का भी प्रभाव है। देखिए मऊ की जनता 5 बार से मिलने बन, अगर उस व्यक्ति का जनता में पहचान नहीं होती, पकड़ नहीं होती, लोगों के साथ सुख दुख में उसके लोग शामिल नहीं होते, उस क्षेत्र की मऊ सदर की जनता उसको वोट क्यों देती है? नहीं देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मुख्तार को जिताने वाले वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जितवाती है, मैं गवाह हूं। हमारे सामने कोई नेता आवे, 24 लोग टिकट मांग रहे थे यहाँ, आज इसमें 16 लोग मुख्तार को वोट दिला रहे थे भाजपा के नेता, ये कहा बती आएंगे? ये मान लिया जाए कि मुख्तार आपके पार्टी से चुनाव नहीं, हमारी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, कुल मिला के हमारे साथ हैं। देखिए जो सच, हम हमेशा सच बोलते हैं, सच बोलने का नतीजा क्या है? अगर हम सच कहते हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस ने देश में बहुत काम किया तो लोग तर्क लगते हैं कि अब कांग्रेस के साथ जाएंगे। जब हम कहते हैं कि लखनऊ में खड़ा हो जाइए, मायावती जी का काम दिखता है, तो लोग कहते हैं लगातार मायावती जी के साथ जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि आप चलो आगरा, लखनऊ से निकलो आगरा एक्सप्रेसवे, तो अखिलेश का काम दिखता है। आप 1090 से नीचे उतरिए गोमती रिवर फ्रंट, अखिलेश जी का काम दिखता है। आप विधानसभा खड़े हो जाइए लोक भवन, अखिलेश जी का काम दिखता है। तो लोग तर्क वितर्क करते हैं, यार ये बोलता है यही कि संघ जाई का। सच कहता हूं, आवाज भी सच कह रहा हूं कि मऊ सदर की जनता 5 बार से एमएलए बना रही है, ना 1-2 बार से नहीं, 5 बार से। कहीं ना कहीं खासियत है तब ना लोग वोट देते हैं। तो मुख्तार के खिलाफ आप कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे इस बार? राजभर को अभी पढ़िएगा।